नमस्ते विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले हमारे जो वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उसमें हमने चर्चा की थी कि हमारा जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। उसी के हम आगे बढ़ते हुए आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वो क्या, उसकी स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार वो बना हुआ होता है और न्यूक्लिक एसिड जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें पता है हमारे न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। तो एक अगर हम आउटलाइन देखें हमारे न्यूक्लिक एसिड की कि वो किस प्रकार के घटकों से यानी कंपोनेंट से बना हुआ होता है और किस प्रकार उसका फॉर्मेशन होता है, तो आप यहाँ पर अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है वह सबसे पहले किसका बना हुआ होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स सबसे जो उसकी संरचना होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड का। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड का बना होता है। और फिर न्यूक्लियोसाइड्स में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में जब नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण होता है। और नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वह कितने प्रकार की होती है, नाइट्रोजन बेसेस हमारे डीएनए और आरएनए में दो प्रकार की होती है, एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। प्यूरीन में एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन जो है आरएनए और डीएनए में दोनों में पाई जाती है। और पायरिमिडीन तीन प्रकार की होती है, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, यहाँ पर डीएनए में थायमिन होती है और आरएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल होती है। और जो शुगर है यानी जो पेंटोज शुगर है, पांच कार्बन वाला जो शुगर है, शर्करा मॉलिक्यूल है, यह भी दो प्रकार का होता है कि एक तो डियाक्सीराइबोस और एक राइबोस शुगर। डियाक्सीराइबोस और राइबोस शुगर दो प्रकार की ये जो शुगर हमारे डीएनए और आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हमारे डीएनए की कि डीएनए के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं और उसके बाद हम आरएनए की चर्चा करेंगे। तो पहले आज का जो ये वीडियो है हमारा यही रहेगा कि डीएनए किन-किन घटकों से मिलके बना हुआ होता है। आप सभी को पता है कि हमारे डीएनए में तीन घटक होते हैं, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड। अभी हमने एक आउटलाइन देखी थी कि न्यूक्लिक एसिड में किस प्रकार से शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फोरिक एसिड मिलकर सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही हमारे डीएनए की एक चेन का निर्माण कर लेती है। और जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो वो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पर हम बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे हैं शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड। ये तीन प्रकार के जो बेसिक कंपोनेंट है वो हमारे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पेंटोज शुगर, पांच कार्बन वाली शर्करा का अणु। ये पांच कार्बन वाली होती है, ये दो प्रकार का होता है, राइबोज जो कि आरएनए में पाया जाता है और डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए में पाया जाता है। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि कार्बन नंबर दो पर अगर राइबोस शुगर है तो वहां एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पाया जाता है, ओएच ग्रुप पाया जाता है कार्बन नंबर दो पर। और यदि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां से निकल जाता है तो इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर। तो कार्बन नंबर दो पर एच ग्रुप होता है, एक ऑक्सीजन निकल जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डी ऑक्सी, यानी ऑक्सीजन का वहां से निकल जाना डी ऑक्सीराइबोज शुगर कहलाती है। तो ये सबसे पहला हमारा जो मोल कंपोनेंट है वह है पेंटोज शुगर। दो प्रकार का हो गया, राइबोज शुगर और डी ऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेसिस, जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी नाइट्रोजन बेसिस की, नाइट्रोजन बेसिस जो है वो दो प्रकार की होती है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। प्यूरीन जो है वह एडिनिन और ग्वानिन होती है और पायरिमिडीन जो है वह
साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। चूंकि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं डीएनए की, तो यहाँ पे साइटोसिन और थायमिन होते हैं, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। पायरिमिडिन जो है वह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है और इसमें साइटोसिन और थायमिन, और प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, एडिनिन और ग्वानिन। आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि जो स्लाइड में दिखाया गया है, पहले पायरिमिडिन है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन और थायमिन। तो आप यहाँ पे साइटोसिन और यहाँ पे ये थायमिन और ये यूरेसिल। थायमिन और यूरेसिल में केवल इतना ही अंतर होता है कि थायमिन में एक मैथिल ग्रुप, अगर यूरेसिल में एक मैथिल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो वह थायमिन कहलाता है, वह थायमिन कहलाता है। ऐसे ही प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है। प्यूरिन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है प्यूरिन, और इसमें एडिनिन और ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन बेसिस। तीसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। ये जो तीसरा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट डीएनए का होता है। उसके बाद ये तीनों कंपोनेंट जो है, तीनों कंपोनेंट आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले जो बनता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड में जब पेंटोस सुगर नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, और हमेशा अटैचमेंट कहाँ होता है, एक नंबर कार्बन पे। अभी जो हमने संरचना देखी थी कि पेंटोस सुगर होती है, तो पेंटोस सुगर का एक नंबर कार्बन, उस पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, और जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जो नाइट्रोजन बेस होगा उसके भी आप पे चार प्रकार के नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड्स बनते हैं, और इनका जो एक अटैचमेंट होता है पेंटोस सुगर पे नाइट्रोजन बेस जब जुड़ेगा तो एक विशेष एंगल बनता है। अगर थायमिन होगा तो 50 डिग्री होगा, अगर एडिनिन होगा तो 51 डिग्री होगा, साइटोसिन होगा तो 52 डिग्री होगा, और ग्वानिन होगा तो 54 डिग्री, 54 डिग्री पे वो एक एंगल, विशेष एंगल पे ही ये जुड़ते हैं। तो ये चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स यहाँ पर बनते हैं। कौन कौन से, आप यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, अगर एडिनिन है तो बनने वाला न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा डी ऑक्सी एडिनोसिन, और अगर साइटोसिन है तो डी ऑक्सी साइटिडिन, और अगर ग्वानिन है तो डी ऑक्सी ग्वानोसिन, और अगर थायमिन है तो डी ऑक्सी थायमिडिन। ये चार प्रकार के न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस के आधार पर बनते हैं। अब ये हमारा हो गया पहला घटक, उसके बाद बनता है न्यूक्लियोटाइड। अब जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो बनने वाले घटक को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये हमेशा कार्बन नंबर 5 पर जुड़ता है, 5 नंबर कार्बन पर ही जुड़ता है, और जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन पे ये एक न्यूक्लियोटाइड की बेसिक स्ट्रक्चर दिख रही है। इसमें शुगर है, शुगर के एक नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़े हैं, शुगर के एक नंबर कार्बन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा है, और 5 नंबर कार्बन पे फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा। तो एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर ये यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। अब जैसा न्यूक्लियोसाइड बने थे वैसे ही चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। जैसा नाइट्रोजन बेस होगा, यानी जैसा न्यूक्लियोसाइड होगा, उसी आधार पर चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। डी ऑक्सी ग्वानोसिन एसिड, डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। ये चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर फॉर्म होते हैं, अगर एडिनिन जुड़ रहा है, ग्वानिन जुड़ रहा है, साइटोसिन जुड़ रहा है, थायमिन जुड़ रहा है, उसके आधार पर
चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियोटाइड्स। अब हमने अभी देखा एक प्रकार का एक ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब डीएनए क्या होता है, हमारे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर्स है। खूब सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड उसे कहा जाता है। एक के साथ एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता जाएगा। अभी जब हमने देखा, जब न्यूक्लियोटाइड बन रहा था तो उसमें बॉन्ड बन रहा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा उसे हम 3,5-फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड, यहाँ पे दो एस्टर बन गए तो इसको डाईएस्टर बॉन्ड कहा जाता है। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक एंड जहाँ पर 5 कार्बन होता है यानी फ्री फॉस्फोरिक एसिड साइड जो होगा उसे हम 5 एंड कहते हैं, और एक एंड जहाँ पर फ्री OH ग्रुप होता है उसे हम 3 एंड कहते हैं, यानी 5-3 डायरेक्शन, जो हम 5-3 डायरेक्शन कह रहे हैं। 5 नंबर कार्बन जिधर है, खूब सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड जुड़ गए, जिधर 5 नंबर कार्बन है उसे हम कह रहे हैं 5 एंड, और जिधर 3 नंबर कार्बन है और जहाँ पे फ्री OH ग्रुप है उसे हम कह रहे हैं 3 एंड। यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बन रहा है न्यूक्लियोटाइड से तो उसमें 3 एंड 5 एंड ये आपस में जुड़ते जाएंगे तो 3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, और 5 एंड और 3 एंड। तो ये पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड अल्टरनेट अरेंज होते हैं, एक पेंटोज शुगर एक फॉस्फोरिक एसिड, एक पेंटोज शुगर एक फॉस्फोरिक एसिड, और नाइट्रोजन बेस जो है वह इनर ब्रांच के रूप में विशेष एंगल पे, जैसा कि हमने बताया था, अलग अलग जब नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं उसके भाप पे अलग अलग एंगल बनते हैं, और इनका जो एक रेशियो अगर हम निकालें कि नाइट्रोजन बेस कितने एंगल पे जुड़ते हैं तो वो 52 डिग्री आता है। तो 52 डिग्री पे इस प्रकार से एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि किस तरीके से 5 एंड जो अभी हम कह रहे थे वो यहाँ पे 5 एंड ये हो गया, यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है इस एंड को 5 एंड कहेंगे, और इस एंड पे OH ग्रुप होता है तो इस एंड को हम 3 एंड कहेंगे जहाँ पे फ्री OH ग्रुप होता है। यहाँ पे अल्टरनेट एक शुगर एक फॉस्फोरिक एसिड, एक शुगर एक फॉस्फोरिक एसिड, ये इसकी एक्सिस में अल्टरनेट होते हैं, और नाइट्रोजन बेस जो है वो इनर ब्रांच के रूप में यहाँ पे स्थित होते हैं, इनर ब्रांच के रूप में यहाँ पे स्थित होते हैं। तो ये हमारा जो डीएनए की बेसिक स्ट्रक्चर है कि डीएनए के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप तक वो अपने आप ही पहुंच जाए, और आगे आने वाले वीडियो में हम डीएनए के टाइप्स और आरएनए की स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन, वो चर्चा हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।